आज प्रधानमंत्री साहब का दौरा सी पंजाब का, उन्होंने फिरोजपुर दे विच आना सी कुछ उद्घाटन ते नाल नाल उन्होंने एक पॉलिटिकल रैली भी करनी सी। रास्ते दे विच वादा होने करके वापस मुड़ना पिया, उस गल का सानू खेद है। आफ्टर ऑल देश के प्रधानमंत्री है, सरकारा मिलके चलदियां हमेशा। ऐसी अपने प्रधानमंत्री का पूरा सत्कार करते, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, चुनी हुई सरकारा है। साड़ी जिम्मेवारी है कि ऐसी अपने प्रधानमंत्री का सत्कार करिए, ते सानू पूरा सत्कार है। मैं आप उन्होंने रिसीव कर उन्होंने नाल रहना सी, पहला तो प्रोग्राम बनिया सी कि मैं उन्होंने बठिंडे रिसीव करना है, उस तो बाद हेलीकॉप्टर दे विच मैं उन्होंने नाल जाना सी, फिरोजपुर जाके उन्होंने नाल एक मीटिंग भी अटेंड करनी सी, उस तो बाद उन्होंने एक पॉलिटिकल रैली करनी सी, उत्ते साडा जाण दा प्रोग्राम नहीं सी। ये बाद दे विच बनी है पॉलिटिकल रैली दी प्रोग्राम, लेकिन उन्हां दा पार्टी दा प्रोग्राम सी। लेकिन कल हर किसी नूं जिन्हें भी प्राइम मिनिस्टर साहब नूं दे नेड़े जाना है, उन्हां नूं अपना कोरोना टेस्ट कराना पैंदा है। जदों कल मैं ते अपने दफ्तर दे बंदिआं दा जिन्हां ने मेरे नाल जाना सी उन्हां दा कोरोना टेस्ट कराया, ता मेरे हर टाइम नाल रहण वाले सरदार जी जिहड़े कि साडे प्रिंसिपल सैकटरी है, उह कोरोना पॉजिटिव आ गए। मेरा एक पीए हरी सिंह सरकारी तौर ते जिहड़ा साडे नाल है, उह कोरोना पॉजिटिव आ गया। इस करके मैं अपनी जिम्मेवारी समझी कि मैनूं इस हालत दे विच जाना चाहीदा कि नहीं जाना चाहीदा, क्योंकि उह मेरे इन टच है। प्रधानमंत्री जी बहुत ही कीमती शख्सियत हुंदे है, उन्होंने इन टच आना इस तरह जद कि मेरे इन टच दे विच कोरोना वाला बंदा आया हुआ, जाना चाहीदा कि नहीं। मैं इस बारे राती अपनी कैबिनेट दे नाल दी राय मंगी, कैबिनेट ने मैनूं राय दित्ती कि सानूं प्रधानमंत्री जी दे ऑफिस नूं दस देना चाहीदा है कि मैं कोरोना पॉजिटिव दे टच विच आया, इस करके मैनूं आदेश दित्ते जाण कि मैं तुहाडा स्वागत करन ते पहुंचा कि ना पहुंचा। उत्थों सानूं लिखती तौर ते आदेश आया व्हाट्सएप ते मैसेज कि हिमाचल ते हरियाणा दे मुख्यमंत्री भी बीसी से जुड़ रहे, तुसी भी बीसी से जुड़ जाओ, तुहानू फिर इस हालत च नाल नहीं आना चाहीदा। इसलिए मैं अपने फाइनांस मिनिस्टर मनप्रीत बादल जी दी ड्यूटी लगाई कि वह प्रधानमंत्री जी का बठिंडे हवाई अड्डे ते स्वागत करन, ते नाल ही मैं अपने डिप्टी सीएम ते फिरोजपुर दे एमएलए पिंकी जी दी ड्यूटी लगाई कि वह हर एहतियात वरतांगे, रैली दे विच सेफ तरीके नाल बंदे आण, असीं इहदी पूरी कोशिश करांगे। ते असीं रात नूं 3 बजे तक कोशिश करके जिन्हें भी किसान रैली ते सड़क ते बैठे सी उन्हां नूं उठाया। इहदे विच क्योंकि 5 दिनां तों केंद्र दीआं एजेंसियां आईबी एसपीजी प्रधानमंत्री दी जिहड़ी सिक्योरिटी है उन्हां दीआं टीमां उत्थे आके फिरोजपुर दे विच बैठीआं, उह आप हर चीज नूं मोनिटर कर रहीआं, उन्हां दा ही सारा प्रोग्राम उन्हां दे अंडर है, उत्थे दा सारा काम उन्हां ने संभालिया होया सी। इस लई उन्हां ने भी नाल मिलके साडे नाल पूरी कोशिश कीती। बीजेपी दे इक शेखावत जी है, उन्हां ने किसानां दे नाल मीटिंगां कीतियां के रास्ते खाली करवा दित्ते जाण। अल्टीमेटली रात नूं
दो तीन बजे तक ऐसी सब लोग के रास्ते खाली करा दिते। उदे विच रात नूं डेढ़ बजे मैनूं टेलीफोन आया साडे चीफ सैकटरी का कि जी जेडे एजुकेटर है ओ ए गरंटी सीएम ऑफिस वालों मंग रहे है कि जी असी तां उठा गए सानूं प्राइम मिनिस्टर साहब तो गरंटी दवाई जावे कि ओ उहनां नाल मीटिंग करनगे। मैं उन्होंने कहा रात को प्राइम मिनिस्टर साहब नाल तां हो नहीं सकदी गरंटी, तुसी मेरे ऑफिस वालों डीसी ते लिफाफे दे दो कि असी तुहानूं प्राइम मिनिस्टर साहब का टाइम द्वारा कि तुसी रास्ते खाली कर दो। अल्टीमेटली रात को किसान मन गए, उन्होंने रास्ते खाली करते ते सारे रास्ते स्मूथली चलन लग गए। उस तो बाद मैं रात को लगभग पौने दो बजे आई बी दे डायरेक्टर साहब नूं टेलीफोन किया है, बाई चांस उन्होंने चक्या नहीं। मैं डीजीपी नूं कहा कि उन्होंने मैनूं नंबर भेजो पहला, उन्होंने मैनूं नंबर भेजिया, मैं आप उन्होंने कॉल की कि हालात बिलकुल क्लीयर हो गए हैं उन्होंने दसण वास्ते ते उन्होंने उन्होंने राय पुछण वास्ते, लेकिन उस समय वो चक नहीं सके। तीन बजे तक ये काम ऐसे किया है। सवेरे लगभग साढ़े छह बजे मैनूं आई बी डायरेक्टर का टेलीफोन आया, पहला मैं नहीं चक सकिया, कुछ मिनटा बाद मैं उन्होंने किया, उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने मैं दसिया कि रात सारा ठीक हो गया, सारी पुलिस ने बड़ी मदद की है, साडा डीजी भी कुछ सी, सारा कुछ ठीक होया। ये रास्ते ऐसी जेडी रैली होनी सी उन्होंने वास्ते करवाए सी, उन्होंने का ही प्रोग्राम क्योंकि ताकि कोई रैली विच आने वाले बंदे नूं असुविधा ना हो। जेडे किसान एजिटेशन कर रहे सी उन्होंने तो उन्होंने भरोसा दे दिता सी कि आप जी नूं सारिआं नूं ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿੰਟ ਟੂ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬਾਈ ਏਅਰ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਚ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੇਂ ਉੜੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉੱਪਰ ਉੱਥੋਂ, ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਚ ਉਤਰਨਾ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 5 9:30 ਤੇ ਡਿਪਾਰਚਰ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ, 10:25 ਤੇ ਏਅਰ ਅਰਾਈਵਲ ਬਠਿੰਡਾ ਏਅਰਪੋਰਟ, 10:30 ਤੇ ਡਿਪਾਰਚਰ ਬਠਿੰਡਾ ਏਅਰਪੋਰਟ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਾਏ MI-17 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, 11:05 ਤੇ ਅਰਾਈਵਲ ਕਿਲਾ ਚੌਕ ਹੈਲੀਪੈਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਰੋਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ
मौके दे मौके सड़क दे राही लिजाया गया। रास्ते दे विच अचानक कुछ एजिटेटर अजे पता लगना कि कौन बंदे सी आके बैठे है उन्होंने, लेकिन उन्होंने तक तो काफी पिछे प्राइम मिनिस्टर साहब दी गड्डियां नूं रोक के साडे अफसर ने रिक्वेस्ट कीती है कि अगे एजिटेशन बड़े बंदे कुछ आके ट्रालियां खड़िया कर लिया उन्होंने, आपां नूं बेहतर है कि वापस जाके कोई होर अल्टरनेटिव रास्ता या हेलीपैड ते चलिए आपां वापस जाना चाहिए। किसे तरह भी कोई अटैक वाली या प्रधानमंत्री जी नूं खतरे वाली गल सिक्योरिटी लैप्स वाली गल नहीं हुई है। ये एजिटेशन पंजाब दे विच चोणां आ रही है, रोज मेरे नाल भी हुंदे है, हर स्टेट दे विच जदों चोणां आउंदियां डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कोई ना कोई सड़क ते आके बैठ जांदा है, इहदे विच हो जांदा है। रात भी मेरे पुलिस वालियां ने मैनूं कई बार टेलीफोन कीते कि जे असीं लाठीचार्ज करके इन्हां नूं पासे कर दईए अरेस्ट कर लईए, मैं कहा नहीं, नैगोशिएट करके मनाओ, इन्हां नूं मनाओ किसे तरह भी। अल्टीमेटली असीं रात भी कामयाब होए आ उन्हां नूं पासे करन दे विच अर मनाउण दे विच, इहदे विच खतरे वाली कोई गल नहीं होई। प्रधानमंत्री जी ते कोई हमला नहीं होया, ना ही ऐसा दी कोई सोच हुई है। पहला भी किसान एजिटेशन दिल्ली दे विच इक साल चलिया, उत्थे भी किसान बैठे रहे है, उन्हां दीआं भी कुछ मंगा सी जिहड़ियां साल बाद मन हुईआं ते उन्होंने पीसफुली उत्थों करना चक लिया। अज भी जे कोई पीसफुल प्रोटेस्ट रास्ते दे विच करना आ गया तां इहदे इस नूं प्रधानमंत्री दी सिक्योरिटी दे नाल या उन्हां नूं कोई खतरे दे नाल नहीं जोड़िया जाना चाहीदा। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैंसेज दिखाकर उनको खतरे के साथ कोई जोड़ा जा रहा है, ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर, कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है, ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था, फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए उसको हटाने में 10-15-20 मिनट आधा घंटा लग जाता है, इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठे जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने हेलीकॉप्टर पे जाने का था, और किसी तरह भी किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और ना ही था, ना ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरफ तरीके से उनकी टीम ने फैसला वापस जाने का ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज का खेद है, हमें पीड़ा है, हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन खराब करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत करें, ये पॉलिटिक्स नहीं है, हम राजनीति इसी बातों में नहीं करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे आएंगे तो कुछ देकर ही जाएंगे पंजाब को, और हम चाहते हैं, मेरा लेक्चर तैयार पड़ा था, मैं बीसी पे इंतजार कर रहा था उनको बोलने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने आना है, मैंने सौ कुछ सोचा था उनको जी आया कहने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए, मैंने सौ कुछ सोचा था उनसे मांगने के लिए पंजाब के लिए, हमारी ऐसी सोच नहीं है। अगर ये कोई बीजेपी का नेता अगर ऐसी बात करता है, ये राजनीति है, राजनीति मत करें। किसान एजिटेशन पे है,
आज से नहीं है, एक साल से है। किसानों की कुछ डिमांडे हैं। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां या लाठियां नहीं चलाने वाला। प्यार से मैंने रात पूरी रात लगाकर उनको सड़क से उठाया और वो मोटिवेट होकर मेरी बात मानकर या सरकार की बात मानकर बीजेपी के नेताओं की बात मानकर प्रधानमंत्री से मिलने के आश्वासन के बाद उठ गए थे। उसके बाद कोई एजिटेशन नहीं था। इस रोड पे हमारा रूट प्लान नहीं था। अचानक कुछ लोग आकर बैठ गए हैं और उनको उठाया प्यार से जा सकता था। कोई किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है। तो फिर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये है तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि अभी तक कोई ऐसा घट नहीं है। किसी तरह का प्रधानमंत्री जी पे कोई खतरा नहीं सी। इस नोड़ मरोड़ के गल होर पासे ले जाने की कोशिश किसी पार्टी वालों नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई ऐसा की गल है। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट ओवर सबका मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी लैप्स हुई है कि अज ही जिहड़ा राष्ट्रपति राज है लगा देना चाहिए। देखो अज नहीं तो चार दिन लगना ही है। सानू मेरी कोई मुख्यमंत्रीशिप या साड़ी कैबिनेट या कांग्रेस पार्टी इस गल पे नहीं खड़ी है, ना ही ऐसी कोई ये कह रहे हैं कि तुसी ना लगाओ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अननेसेसरीली राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल ही नॉन पॉलिटिकल मसला है। एक साल तो किसान दिल्ली विच भी बैठे है यार, उत्थे क्या हो गया सी? आखिर एक साल उत्थे नहीं पीसफुली बैठे रहे? उन्होंने क्या ही ना करे किसी ते अटैक किया है? मैं अपने किसानों ते किवें गोली चला रहा, मैं उन्होंने किवें लाठियां मारा? मैं जब मैं प्यार ना ठाल सकता उन्होंने, रात नूं ठालिया ही है। मैनू रात भी होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया कि जी बंदे सड़क ते आके बैठ गए, साड़ी रैली है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो रुबाई रोड जाना ही नहीं सी, उन्होंने रोकने वास्ते नहीं सी बैठे कोई। हो सकता है वो एजिटेटर नूं रोकने वास्ते बैठे होण, उत्थे तक तां गया ही कोई नहीं। एक मिनट, राजनीति जी पूछ रहे हैं। यार कोई ऐसी गल नहीं है। किसानों दी डिमांडा अजे कुछ खड़िया है, इस करके वो रात मैनू अज तो 15 दिन पहला होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया, चन्नी जी लोग किसान रेलवे लाइन को रोककर बैठे हैं, आप उनको हटाओ, जम्मू कश्मीर और यहाँ कोल आने की प्रॉब्लम है। ऐसे उन्होंने उठाया है, हमने उनको उठाया है, उनसे बातचीत करके यहाँ मैंने खुद बुलाकर मीटिंग की और उनको प्रेरित किया कि भाई नहीं, किसानों का भी नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, आगे भी कोला जाना है, आप उठो, आप डिमांड बताओ। मैंने उनकी डिमांडें मानी है। ऐसी नहीं, ये फैसला लिया, ये फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का सी, रोड तो जान का। उन्होंने शायद हेलीकॉप्टर वाले ने कहा होगा कि बारिश ज्यादा है या मौसम ज्यादा खराब हो गया, इस करके रोड चले गया। अदरवाइज ये कोई सिक्योरिटी लैप्स वाली गल नहीं, कोई किसी तरह का खतरा नहीं सी। ਬਠਿੰਡਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੁਣ, ਪੀਐਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕਲੈਰੀਫਾਈਡ ਕਰਨ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸਰ ਕੌਣ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਮੈਂ जे उन्होंने गुस्से विच कुछ किया है या राजनीतिक सोच दे नाल कुछ किया है, मैं इस ते टिप्पणी नहीं करना चाहुंदा। लेकिन जे उन्होंने किया है तो मैं इन्ना जरूर कहना चाहुंदा कि प्रधानमंत्री हैं वो साडे, उन्हां दी जान नूं जे खतरा होएगा तो मैं अपना खून उन्हां तो पहला डोलांगा। ये पंजाबियों की फितरत है, पंजाबी पंजाबी मर नहीं मर जाएगा। एक गल सुन लो, पंजाबी मर नहीं मर जाएगा। नहीं करेगा नंबर एक, नंबर दो
ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੋਣੀ ਕੋਈ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਆਪ ਪੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੀ साडा तां उत्थे कंट्रोल ही इन्ना नहीं सी, मेन कंट्रोल SPG IB उत्थे कर रही सी। मनो भी रात भी मैं IB दे नाल की गल कीती है, होम मिनिस्ट्री सीधी इन्वॉल्व थी, हजारों आदमी उनका सिक्योरिटी का वहां था, और किसी तरह की पंजाब सरकार की कोई ज्यादा वहां रोल नहीं था। लेकिन फिर भी अगर डिसीजन ये हुआ कि बाई रोड जाना है तो ये ज्वाइंट डिसीजन था। अगर ये डिसीजन हुआ है, अगर रास्ते में आकर कोई बैठा है तो वो अचानक बैठा है आकर, पहले से नहीं था, इसलिए इसको अननेसेसरीली सिक्योरिटी के साथ जोड़ना, ये दिस इज एन एजिटेशन। इसको सिक्योरिटी के साथ जोड़ना एक राजनीति हो सकती है, ये सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई बात नहीं है। अगर एक साल किसान दिल्ली में बैठ सकते हैं तो क्या वो प्रधानमंत्री जी को या होम मिनिस्टर को या मुझे या किसी और को खतरा था? वो एक राजनीति नहीं थी, वो उनका एजिटेशन पीसफुल एजिटेशन था, यहां भी पीसफुल एजिटेशन था, रात हमने एजिटेशन उठाया था, अचानक कोई आकर बैठ गया तो उसमें कोई ये नहीं है कि जी किसी को खतरा था। देखो रात यहाँ कैबिनेट मीटिंग थी, लगभग 9:30 बजे मैं यहाँ से निकला, मेरे घर से पहले एकदम 25-50 आदमी मेरी गाड़ी के आगे बैठ गए। मैंने ड्राइवर को बोला अभी पीछे लो गाड़ी, गाड़ी पीछे घुमाई, हम दूसरे रास्ते से घर अपने चले गए। अब मैं ये अगर रात को वही FIR कर देता कि जी ये तो मेरी जान पे पड़े थे, वो जान पे थोड़े पड़े थे यार, उनकी कोई प्रॉब्लम है, वो अनएम्प्लॉयड यूथ था या ETT टीचर थे जो जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी या उनकी नौकरी में कोई प्रॉब्लम थी। ऐसे ही एक किसान कोई अतवादी नहीं थे, कोई गलत आदमी नहीं थे, ये हो सकता है कोई उनका अपनी प्रॉब्लम हो, इसमें इसको सिक्योरिटी के साथ जोड़ना गलत है। मैं कह रहा हूँ कि क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हो ये, मैं अगर यहाँ से जाता जाता वापस मुड़ सकता हूँ अपने घर को, ये सामने हुआ। अब चंडीगढ़ में UT पुलिस है, हमारी भी यहाँ मेरे साथ भी 10-20 बंदे होते हैं, मैं कहूँ जी मुझे चंडीगढ़ वालों ने अटैक करवा दिया रात, ये कोई बात बनती है? सीएम साहब सुनील जाखड़ ने कह रहे हैं कि जो कुछ होया अनएक्सेप्टेबल है, तो PM दे काफले नो सेफ पैसेज इंश्योर किया जाना चाहिए। देखो मैंने तो खुद कहा जी मुझे खेद है, ये नहीं होना चाहिए था, मैंने कहा है। अब चंडीगढ़ और होता है ऐसी बंदे लगावा चंडीगढ़ साहब को
मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है, मैं राष्ट्रपति से बात करूंगा सरकार को बर्खास्त करने। अरे रात मुझे मुख्यमंत्री के हरियाणा के मुख्यमंत्री के घर के सामने रोका था। चंडा बीजेपी लोग सुनो, रात मुझे मुख्यमंत्री हरियाणा के घर के आगे 25-30 आदमियों ने एकदम रोक लिया, आगे आकर बैठ गए। तो अब मैं कहूं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री रिजाइन कर दे? अरे यूटी यहाँ पुलिस है, मुझे रात रोका है, मैं गाड़ी वापस लेकर दूसरे रास्ते गया। मैं आप कहूं कि यहाँ अमित शाह जी रिजाइन कर दें? किस बात का भाई? अरे ये पहली बात ये है कि दिस इज ए पॉलिटिकल एजिटेशन, इसमें सिक्योरिटी लैप्सेस वाली बात नहीं है, खतरे की कोई बात नहीं है। क्यों नहीं की जाएगी जी? कि अगर कोई बात हुई है तो जांच पड़ताल करेंगे। अरे इसमें इस लस्सी नु जिन्ना मर्जी रिड़की जाओ, ए कुछ नहीं है। गल सिर्फ इनी है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे, उन्होंने उथे रैली करनी सी, किसाना ने रैली नु रोकण वास्ते आले दुआले बंदे लगा दिए। एक मिनट यार, इतनी मैं जाऊंगा नहीं कहीं। हमने उन बंदे को उठा दिया सबको, रात को उनको मना लिया यार ना करो ऐसे। अब 70,000 कुर्सी लगी हुई, 700 बंदा वहां पहुंचा, मैं क्या करूं यार। प्रधानमंत्री जी ने सर एक चीज बड़ी स्पेसिफिक क्या डीजीपी पंजाब ने वो नेसेसरी जिहड़ी क्लीयरेंस ऑफ दित्ती सी? क्योंकि सर तुसीं तां कह रहे हो कि अचानक हो गया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर दा भी प्रोटोकॉल होंदा हर चीजां ट्रैवल करना, उन एसपीजी दा अपना रोल है, यू ग्रुप दा अपना रोल है, पुलिस दा अपना रोल है, डीजीपी ने क्लीयरेंस दित्ती सी। सुनो साडे, फिर मैं दसदा कि पुलिस दा रोल बहुत ही लिमिटेड कर दिता गया सी उत्थे। हर चीज एसपीजी आईबी केंद्रीय एजेंसियां डिसाइड कर रही सी उत्थे, ते नाल नाल इत्थे तक के सीटिंग अरेंजमेंट भी मेरे पास चिट्ठियां, मैं तुहानू जारी करांगा, दे दिंदा हुणे। सीटिंग अरेंजमेंट भी सीएम कित्थे बैठेगा, कौन कित्थे बैठेगा, उन्होंने डिसाइड किया है। रैली का वेन्यू उन्होंने डिसाइड किया, जिथे सानू जाण दी आग्या नहीं सी, दूसरे पासे भी उन्होंने डिसाइड किया है। हैलीकाप्टर च कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, यह भी उन्होंने डिसाइड किया है। जेड़ा बाई रोड जान दा, ए भी उना दा ज्वाइंट डिसीजन है। साडा पुलिस अफसर भी हो सकदे उहदे विच, लेकिन ज्वाइंट डिसीजन है इहदे विच। एक मेरी गल सुणो, तुसीं जिन्ना मर्जी कर लो, एजिटेटर आके 5 मिंट लई सड़क दे विच इकदम आके बैठ के तुसीं क्या करोगे? तुहानूं इही कहना पएगा ठीक है जी अल्टरनेटिव रूट ले लैंदे आ, ਜੇ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਇੰਡਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਫਲੈਗ ਦਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਨੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਝੰਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਯਾਰ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਪੈ ਕੇ ਰੁਕ ਰਹੀ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਬੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕ ਕਰ ਬਤਾ ਦਿਆ ਗਿਆ ਆਗੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਹਮੇ ਰੂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣੇ ਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਉਨਕਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਤੋੜਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫੇਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਖੁਦ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੋੜੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਤੋੜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸਰ ਆ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ? ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਬਾਤ ਕੋ ਸਮਝਦਾ ਹੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੋਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਸੋਚ ਸੇ ਚਲਤਾ ਹੂੰ, मुझे कोई गाली दे देता है मैं कहता हूँ यार ठीक है तू अच्छा बंदा है, यही समझ लो कि मुझे गाली दी है तो मैं कह रहा हूँ तुम अच्छे बंदे। लेकिन प्रधानमंत्री बड़े हैं, मेरे से बड़े हैं उम्र में, मेरे से बड़े हैं ओहदे में, उनको एजिटेशन वालों ने आगे रोका है,
वो पीछे रुक गए हैं, किसी तरह का जान माल का खतरा नहीं था, लेकिन अगर उन्होंने गुस्से में या राजनीतिक तौर पे कुछ मुझे कह दिया है, मुझे एक्सेप्टेड है, मैं उनको जवाब नहीं देना चाहता। मैं उनको कहता हूँ खुश आमदीद, आप फिर आओ, लेकिन हम आगे से अच्छे इंतजाम करेंगे, आपको ऐसी दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री ने समुचे पंजाबियों की जिहड़ी एड्डी वड्डी गल कह के गए हैं कि शुक्रां मैं उत्थे जिंदा आ गया, यह बहुत वड्डी गल है। अरे मैं कह रहा हूं भाई साहब, कह रहा हूं मैं, पंजाबियों नूं पहला अत्तवादी दस्या गया, खालिस्तानी दस्या गया, मतलब की किसान आंदोलन। देखिए देखिए मैं मेरी मेरी बात सुनो, प्रधानमंत्री ने 3 करोड़ मेरी बात सुनो, मैं इसके मैंने नहीं निकालना चाहता, मुझे पता है मैंने क्या है, लेकिन निकालना नहीं चाहता। मैं एक जिम्मेवार पोस्ट पे हूँ, मैं होम मिनिस्टर साहब से मिलने गया था, एक ही बार मिलने गया हूं, मैंने उनको हाथ जोड़कर एक बात कही थी, मैं ये कसम खा के कह सकता हूं, जो मैं क्या बता रहा हूं वो सच है कि होम मिनिस्टर साहब, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, चुनाव आने वाले हैं, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई पार्टी जीते, मुझे इससे मतलब नहीं है। ये मैंने कहा था, फिर रिपीट कर रहा हूं कि होम मिनिस्टर साहब, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि चुनाव आ रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई पार्टी जीते, इससे मतलब नहीं है। लेकिन एक कृपा करना, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पंजाब में सद्भावना, आपसी प्यार बना रहे, पंजाब में किसी तरीके से कोई भी गड़बड़ ना हो इलेक्शन में, इसका जरूर ध्यान रखना। ये मैं उनको रिक्वेस्ट करके आया था। अब अगर फिर भी राजनीति होगी तो वो गलत होगी। सर, आपका भी आरोप लगाए जा रहे हैं, बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी का कहना है कि जब जहां पर रोका गया था प्रधानमंत्री के काफिले को, उस वक्त जेपी नड्डा की तरफ से आपको फोन किया गया, लेकिन आपने उठाया नहीं, क्या आपको कोई फोन आया? देखो देखो, मुझे कोई टेलीफोन उनका नहीं आया। हाँ, होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया था, उन्होंने मुझे कहा कि वहां कुछ एजिटेटर आ गए हैं, ये गलत हो गया है, प्रधानमंत्री जी ने वापस आने का निर्णय ले लिया है। मैंने कहा जी इसकी क्या बात है, मैं आपके पास भी आ जाऊंगा, और हमारी तरफ से किसी तरह का कोई गलती नहीं हुई है, चेक कर लेते हैं क्या बात है। ये मुझे उनका टेलीफोन आया, और किसी का टेलीफोन मुझे नहीं आया दिल्ली से। जो मुझे कोई टेलीफोन करता है, मेरे पास टेलीफोन है, मैं उसी समय उठा लेता हूँ, नहीं तो मेरे साथ 2-4 आदमी होते सरकार के, वो मेरी बात करा देते हैं। मेरी होम मिनिस्टर साहब ने भी किसी मेरे साथी ने, मेरे साथ जो आईएएस थे उनके टेलीफोन पे बात हुई। नहीं, ऐसी कोई गल नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच जी। यार हूं आ गल लपेट लिए, बहुत धन्यवाद थोड़ा सारे।